नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर आई हूँ महाभारत की कुछ ऐसी कथा जिसके बारे में आप जानेंगे इस वीडियो के दौरान। कहते हैं कि महाभारत में पांडव राजवंश के जो गुरु थे यानी कि पांडव, उनमें से उनके पिता सभी के अलग अलग कहते हैं, जो कि कुंती के पुत्र और माद्री के पुत्र कहे जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पांडव किसी कारणवश पिता बनने में असमर्थ थे, इसलिए पांडवों के पिता अलग हैं। युधिष्ठिर का जन्म। जब युधिष्ठिर का जन्म हुआ तब पांडु की अवस्था पिता बनने लायक नहीं थी। कहते हैं कुंती को युवा अवस्था में दुर्वशा का आवाहन करने पर पुत्र की प्राप्ति होनी थी और इसका फायदा पांडु ने उठाया। उन्होंने आग्रह किया कि आप दुर्वशा का आवाहन कीजिए ताकि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो सके और मैं पिता बन सकूँ। इस प्रकार युधिष्ठिर का जन्म हुआ। दूसरा पुत्र था भीम, जो कि हवा यानी कि पवन का आवाहन करने पर भीम का जन्म हुआ। कहते हैं भीम को भी शिक्षा और दीक्षा द्रोणाचार्य से ही ली गई थी। वह गदा चलाने में ज़्यादा अच्छे थे, यह तो सभी महाभारत में जानते हैं कि भीम ने गदा के द्वारा किस प्रकार युद्ध में अपनी भूमिका निभाई थी। इस प्रकार उन्हें दीक्षा देकर कुंती को भीम के रूप में एक पुत्र प्राप्त हुआ। अर्जुन कुंती के तीसरे पुत्र, जो कि देवराज इंद्र के पुत्र माने जाते हैं। कहते हैं जब इनका जन्म हुआ था तब बहुत गायन यानी कि बहुत ज़्यादा खुशियां मनाई गई थी अर्जुन के जन्म पर, और इन्हें भी उसी तरह से शिक्षा दीक्षा दी गई और द्रोणाचार्य द्वारा ही मिली। कहते हैं सबसे अच्छा शिष्य अर्जुन ही थे, द्रोणाचार्य उनकी तारीफ भी बहुत करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सहदेव और नकुल अश्विन के पुत्र थे, लेकिन अश्विन को ज़्यादातर लोग नहीं जानते, क्या आप जानते हैं? कहा जाता है ऋग्वेद के अनुसार गंगा तट पर अश्विन रहा करते थे। इसी प्रकार नकुल और सहदेव भी उन्हीं के पुत्र हैं। जो खून भीष्म में है वही खून उनमें भी है। कहते हैं कि नकुल और सहदेव का जन्म उसी दौरान हुआ था, इसी कारण द्रौपदी उन्हें काले रंग के कारण श्याम कालेश्वरा भी कहा करती थी। पांडु को साधु ने एक श्राप दिया था जिस कारण से वह कभी भी अगर किसी महिला के साथ यौन संबंध स्थापित करते तो उनकी मृत्यु उसी वक्त हो जाती, क्योंकि उन्होंने किसी साधु और यौन संबंध स्थापित करते हुए उन्हें मार दिया था। इसी कारण उस साधु ने उन्हें श्राप दिया कि यदि आप किसी के साथ अपनी पत्नी के साथ या किसी और महिला के साथ यौन संबंध स्थापित करेंगे तभी उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारणवश उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित ही नहीं किया। पांडु जुआ खेलते थे। जुआ में वह पांडु अपना सब कुछ सत्ता तक खो चुके थे और उन्होंने अपने जुए के लिए अपनी पत्नी को भी दाव पे लगा दिया और दाव में वह अपनी पत्नी को भी हार गए। तब उन्हें शासन से निष्कासन कर दिया और उन्होंने कहा कि यदि आप कहीं भी देख लिए जाओगे तो आप 13 वर्ष के लिए फिर से निष्कासन कर दिए जाओगे। तो वह इतनी दूर चले गए ताकि उन्हें कोई देख न सके। ये थे वह कारण पांचों पांडवों के पिता अलग अलग थे। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाज़त लेती हूँ।